हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारा होम एंड किचन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक 3 इयर्स बेबी का हैंकी कट फ्रॉक, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको आज दिखलाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरी बेटी है, ये 3 इयर्स की इसने पहना हुआ है, तो मैं इसी फ्रॉक का आपको दिखाऊंगी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ्रॉक बनाने के लिए 1.25 मीटर कपड़ा लिया था। छोटी बच्ची और स्लीवलेस बनाना है तो ज़्यादा कपड़ा की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो 1 मीटर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये जो है वो स्क्वायर कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी है ये 22.5 इंच है, और इसकी चौड़ाई भी 22.5 इंच है। तो अभी मैं पहले इसको ये एक साइड से इसको फोल्ड करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे ऐसे फोल्ड करूंगी। तो ये अब 8 फोल्ड हो चुका है, ये 8 फोल्ड हो गया। तो अब मैं इसमें अपने मार्किंग करूंगी। तो 3 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसकी यहाँ से मैं इसकी जो लंबाई लूंगी सर्कल काटने के लिए, वो लूंगी यहाँ से 1.25 इंच। मेरी ये टूटी हुई है थोड़ी, तो मैं ये 1 से मार्किंग कर रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर देख ध्यान दीजिएगा। ये मैं यहाँ पर डालूंगी 1.25 इंच पे। तो ये 1.25 इंच पे मार्किंग इधर करी, और फिर यहाँ भी मैं 1.25 इंच पे ही मार्किंग करूंगी। इसी तरह इसके बीचों बीच यहाँ से ये ट्रायंगल पे रखकर यहाँ पे 1.25 इंच की मार्किंग करनी है। तो अब मैं इस मार्किंग को मिला दूंगी, और ये यहाँ पे ये ऐसा एक छोटा सा सर्कल जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरी मार्किंग यहाँ हो चुकी है। तो अभी मैं इसे कटिंग कर दिखाती हूँ। तो ये मैं मार्किंग पे कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, सर्कल छोटा सा निकल गया है। तो जब आप इसे खोलेंगे तो वो बराबर कमर के बराबर, ये करीब 12 इंच ये करीब आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैं इसे खोल देती हूँ। तो ये मेरा अभी 2 फोल्ड है। अभी मैं यहाँ से इसे बीचों बीच काट देती हूँ। मैं सीधे कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो कपड़ा को उल्टा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको बीच से काट दिया है। तो ये जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये देखिए, ये इसका ऐसा आ जाएगा। और ये इसकी एक साइड की हो जाएगी, इसके दूसरे का पल्ला ही दूसरी साइड का हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरी कटिंग हो गई है, बीच से सर्कल है और मैंने ये हिस्सा काट दिया है। आपको ये रुमाल के शेप की 2 कपड़े लेने हैं, जो 22.5 इंच के दोनों साइड से होंगे। तो अब मैं साइड कर देती हूँ, और मैं इसके ऊपर की अब चोली काट लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने चोली के लिए ये कपड़े ले ली हूँ। तो जो ये मैंने 4 तह में ये फोल्ड करके रखी हूँ, देखिए ये 1, 2 और ये 2 तह। तो ये 4 तह हो गए। तो मैं अपने बंद तरफ वाले से मार्किंग करूंगी। तो मेरी बेटी का साइज है, मैं शोल्डर का दूंगी 5 इंची। ये तीरा जो है ये 5 इंची हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि आपको टूटा हुआ है, तो मैं इसलिए 1 से मार्किंग कर रही हूँ। तो 1 से यहाँ तक ये 5 हो जाएगा। तो जहाँ तीरा 5 है, तो मुझे शोल्डर भी 5 ही लेना है। तो मैं ये शोल्डर ले रही हूँ, शोल्डर भी मेरा 5। तो अब मैं इन दोनों लाइन को ये देखिए ऐसे मिला दे रही हूँ। तो अब ये चेस्ट का मार्किंग करूंगी मैं। तो चेस्ट की मार्किंग जो है वो है, चेस्ट की मार्किंग मेरी है यहाँ पे 7 इंच। ये देखिए, मैं 7 इंच पे यहाँ रखकर और ये यहाँ निशान लगा देती हूँ। ये 7 इंच निशान लग गई है, और ये यहाँ पे मैं यहाँ 2 इंच की मार्जिन ले ले रही हूँ, मेरा यहाँ पे है। अब मैं यहाँ से थोड़ा हल्का सा सर्कल डाल दूंगी। उसके बाद वेस्ट की जो है मार्किंग वो भी मेरी 7 इंची है। तो ये यहाँ से करके और ये मैं यहाँ से मिला देती हूँ। वैसे यहाँ पे 7 है, लेकिन हल्का सा 1/2 इंची कम ही करते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट को। तो ये मेरी मार्किंग हो गई है। तो अभी यहाँ भी मैं यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन यहाँ भी दे देती हूँ। ये देखिए, मैं फिटिंग की मार्किंग हो चुकी है। तो अब मैं गले की मार्किंग करूंगी। तो छोटी बेबी है,
इसके लिए मैं यहाँ पे 2 इंच का गले की चौड़ाई करूंगी, 2 इंच गले की चौड़ाई कर देती हूँ। और जिसकी गहराई होगी वो 1 इंच की, तो मैं अभी पीछे की मार्किंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ्रंट गले की मार्किंग करूंगी। ये 1 इंच ही हो गई, ये देखिए। तो मैं अभी इसे बॉक्स बना दूंगी, बॉक्स बना देती हूँ। और ये यहाँ से जो है ये यहाँ से सर्कल हो जाएगा। तो मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये भी मैं अभी बैक गले की कटिंग कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, बाद में उसको निकाल के दूसरा पल्ला फिर फ्रंट का कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, एक में कटिंग हो गई है। तो अभी ये एक अंदर का एक पल्ला मैं निकाल देती हूँ इसमें से। ये मैं यहाँ से अभी मैं 1 इंच ली थी, तो और मैं यहाँ से 1.5 इंच ले लेती हूँ फ्रंट गले की गहराई। ये मैं मार्किंग कर देती हूँ यहाँ से। ये मेरा 2.5 इंच का हो गया फ्रंट गला। फिर इसे फ्रंट का यूँ बॉक्स बनाकर यहाँ से यहाँ आप इसे बॉक्स बना लीजिए तो आपके लिए इजी हो जाता है। ये मैंने बॉक्स बना लिया और फिर यूँ मैं यहाँ से ये गले का शेप दे दूंगी। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैं सर्कल दे रही हूँ। तो ये मेरी हो गई, ये फ्रंट गला हो गया, ये मेरा बैक का हो गया। और ये जो है, और ये मेरी हो गई कोई नीचे नीचे का घेर। तो मेरी कटिंग पूरी हो चुकी है, तो अब मैं इसे आपको सिलकर बताती हूँ। तो चलिए अब मैं सिलना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके जो ये गला है मैंने कटिंग किया है, पहले मैं गले की फिनिशिंग करूँगी। तो इसके लिए मुझे पहले पाइपिंग पट्टी काटनी होगी। सर्कल हमारा है, तो ये कपड़ा मेरे पास मैचिंग नहीं था, तो मैं पीला कपड़ा ही दूसरा ले रही हूँ। आप मैचिंग लीजिएगा, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अंदर चला जाता है। तो ये देखिए, ये मैं उरेर पट्टी काट रही हूँ, ये तिरछा तिरछा काटेंगे। जो कपड़ा सीधा है तो इसे तिरछा काटेंगे, और इसे करीब 1.5 इंच के मार्जिन देते हुए आप ऐसे 3-4 पट्टी काट लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने ये तिरछी पट्टी काट ली है। ये ऐसा ये खींचता है, तो ये गोल गले बनाने के लिए बहुत इजी होता है। ये आप ऐसी ही पट्टी काटिए। तो अभी देखिए, ये मुझे ऐसे ये जो कुर्ती का ये टॉप ऊपर का है, इसका मैं सीधा पल्ला ले रही हूँ, और ये इसे मैं ऐसे रखकर ये पूरे गले में मैं ऐसे सर्कल डाल के ये यहाँ तक मैं सिलाई कर दूंगी। तो ये देखिए, ये होल लग चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर जो ये सर्कल, क्योंकि मुझे घुमाना है तो कपड़ा ये घूमेगा नहीं, तो यहाँ पर मुझे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे यहाँ पर, बस जो सिलाई है बस उसके करीब करीब में ये छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। देखिए, मैंने छोटे कट्स लगा दिए हैं। ये देखिए, ये ऐसा कट्स है, धागे तक नहीं है, सिलाई नहीं कटेगी इसकी। उसके बाद मैं इसको ऐसे पलट दूंगी, तो ये क्या है, ये कपड़ा पूरा जो है ये अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए, मैं इस पट्टी को पलट कर बड़े सिलाई वाली चोक चला लेती हूँ इस पर। तो ये आपको आराम से धीरे धीरे करना है, गले को घुमाते घुमाते, क्योंकि गले की फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। ये देखिए, ये भी मैं हाथ से फिर बाद में इसको हेम कर लूंगी, इसलिए अभी मैं इसमें रफ सिलाई चला रही हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं इसी तरह दूसरे गले की फिनिशिंग कर लेती हूँ। और ये जो आपका पीछे का है, ये इसको आप ऐसा मोड़ कर इसको हाथ से हेम कर लीजिएगा। मैंने जो ज्यादा कपड़ा था वो मैंने काट कर निकाल दिया है। अब इसको आप ऐसे घुमा घुमा कर ये इसको बाद में हेम मैं आपको कर बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने गला बना लिया है, ये पीछे का है, ये आगे का है। देखिए, ये मैंने रफ सिलाई दे दी है, बाद में इसे मैं खोल दूंगी जब हाथ से हेम करूंगी अंदर से। तो अभी मैं ये पीछे के पल्ले में जो है पीछे बटन लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, एक ही हुक लगाऊंगी मैं। तो उस हुक के लिए मैं ये पतली पट्टी काटी हूँ, और ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे एक लाइन दे दी हूँ, जो मैंने
ये 2 इंच के करीब ही लाइन दी हूँ, ये देखिए ये 2 इंच की लाइन है। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो मैं अभी इस ये पतला पट्टी काट के ये मैं पट्टी का सेंटर में भी बिल्कुल लाइन दी हूँ, ये देखिए आपको दिखता होगा। तो अभी इस लाइन को बिल्कुल इस लाइन से मिलाकर और ये ज़रा सा ऊपर कपड़ा बढ़ाकर मैं इसे सीधा सिलाई कर दूँगी। ये देखिए ये सेट हो चुका है ये। तो अब मैं इसके साइड बिल्कुल 1.25 इंच का मार्जिन छोड़कर देती हूँ सिलाई है। ये बेल्ट बिल्कुल एक चाप का दूंगी मार्जिन यहाँ पर। यहाँ से लाके मैं यहाँ पे ये कॉर्नर शेप दे दूंगी, फिर इसे घुमाकर यूं और फिर यहां से आपको हल्का सा एक चाप का मार्जिन देकर और आपको फिर यहां से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी ये मेरी सिलाई हो चुकी है, तो अभी मैं तो ये देखिए सिलाई हो चुकी है मेरी। अब मैं बिल्कुल बीच से ये बीच वाली सिलाई मैंने दी थी जहां से लाइनिंग दी थी वहां से मैं इसको कट कर देती हूँ। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे सिलाई पे ना जाए बट बिल्कुल कॉर्नर तक जाए। ये देखिए ये हो गया। तो अब मैं इसे यूं पलट दूंगी, देखिए ये ऐसा पलट जाएगा। ये जो बीच की सिलाई थी थोड़ी सी ये मैं खोल देती हूँ यहाँ ताकि ये अच्छे से पलट में आ जाए। तो ये देखिए ये मैंने बटन पट्टी को पलट लिया है, ये देखिए पीछे ये पीछे पलटी हो गया है। तो अभी क्या अभी से मैं ये देखिए ये पीछे का है, तो पीछे मैं इसे यहाँ जो ये गले के ऊपर मैंने जगह छोड़ा था कपड़ा, तो उसे मैं ऐसा फोल्ड करती हूँ गले के बराबर में और फिर ये मैं इसे एक फोल्ड करती हूँ, फिर ये मैं दूसरा फोल्ड करके बिल्कुल इसके बराबर में। और ये देखिए ये है ये आगे से देखिए बिल्कुल दिखेगा नहीं। अब मैं इसके साइड में सिलाई मार लेती हूँ। स्क्वायर शेप में देकर यहाँ पे और फिर इसको मैं यूं कपड़े को टर्न कर लेती हूँ और ये फिर दूसरे साइड में सीधा ये ऊपर तक आ जाऊंगी। तो मैं इसे भी यहाँ पे पहले ये फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया इसको और ये इसको यहाँ से फोल्ड करके और फिर करके फिर मैं इसकी भी सिलाई दे देती हूँ। ये अभी आगे से देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई। देखिए अभी मैं यहाँ पे हुक लगा दूंगी, तो ये मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं इसके बाद ये जो दोनों पल्ले हैं उसको मैं अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये एक ये पल्ले को रखूँगी यहाँ से यहाँ तक और फिर मैं इसे यहाँ से सिलाई कर लूँगी और फिर मैं ये दूसरे साइड में भी यहाँ से रख कर और ये यहाँ सिलाई कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने शोल्डर को जोड़ लिया है, मेरे क्लिप रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं ये जो मेरे स्लीव्स हैं मैं उसकी पट्टी जोड़ूंगी। तो मैंने जिसे गले में जोड़ा था उसी तरह मैंने पूरे पट्टी काट ली है और इसको भी मैं इसमें अटैच कर लूँगी। इसी तरह घुमा घुमाकर पूरे मुझे पूरे स्लीव में जोड़ लेना है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा जो ये बांह है दोनों साइड से कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरी जो है वो दोनों बांह में दो दो सिलाई मैंने दे दी है। ये जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा वो कट कर दूंगी मैं इसे। तो ये देखिए ये मेरे दोनों जो बाजू है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये सिलाई नहीं खोलनी है, आप चाहे तो ये गले की सिलाई भी यूं ही रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो हेम कर ले। तो अब मैं जो इसके नीचे का घेर है पहले मैं उसे कंप्लीट करूंगी। तो पहले ये देखिए ये जो मैंने ये दो जो रुमाल कट करे थे तो पहले मैं इसके ये जो नीचे के बॉर्डर है मैं पहले इनको चारों तरफ से ये इन साइड से ये साइड चारों तरफ से ऐसे ये मोड़ लेती हूँ पहले मशीन से। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ इसकी फोल्डिंग नीचे की फोल्डिंग। तो ये पहले मैंने एक फोल्ड करी और ये फिर ये दूसरी फोल्ड करी। ये देखिए मैंने फ्रिल का जो कपड़ा था वो उसको मैंने कॉर्नर्स के फोल्ड्स कर लिए हैं, दोनों फ्रिल में हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको बॉडी से अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा कपड़ा है ऊपर का बॉडी, तो ये मैंने सीधा रखा है और ये मेरा फ्रिल का है एक साइड का। तो ये जो है ये सीधा पल्ला एक दूसरे के ऐसे ऊपर रखा और ये इससे
अब मैं यहाँ से ये पकड़कर और ये यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक अटैच कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए मेरा जो फ्रिल है वो बॉडी से दोनों तरफ से जुड़ चुका है। ये देखिए इधर भी जुड़ गया है। तो अभी मैं इसके ऊपर ये जो मैंने डबल सिलाई मार ली है और अब इसको जो है इसको मैं ये फ्रिल के ऊपर ऐसा पलट कर और इसके ऊपर ये दाब सिलाई दूंगी ताकि ये कपड़ा कभी खींच कर फटे नहीं। तो ये देखिए ये मैंने इसको सिल लिया है, ये दाब सिलाई मैंने चला दी। तो अभी मैं इसके साइड की जो रिबन होते हैं बांधने के लिए वो मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने ये लंबी पट्टी ले ली है, ये मेरे कपड़े कम थे तो मैंने जॉइंट लगाए हैं, तो कोई बात नहीं घरे पहनना है तो चलो ठीक है। तो मैं इसे अभी बनाती हूँ। तो ये देखिए पहले मैं इसे ये यहाँ से फोल्ड करके और यहाँ से ये ऊपर लॉक कर लूंगी यहाँ पे और ये यहाँ से तिरछा आऊंगी। उसके बाद ये कर तो यहाँ से मैं ये पूरा यहाँ से कर इसको सिल लूंगी। देखिए मैं अभी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको पलट लेती हूँ। इधर ये बहुत इजी पलटा जाता है ये। ये देखिए ये मैंने पलट लिया है। तो अभी जो इसके कॉर्नर्स है इसे अच्छे से निकाल देते हैं। तो मैं इस स्क्रू ड्राइवर को ये अंदर तरफ से डालकर उसके कॉर्नर को अच्छे से पॉइंटेड कर लेती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से ये डालकर यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंटेड शेप आ जाएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे शेप आ चुका है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ये प्रेस कर लूँगी ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने जो पीछे का बेल्ट था मैं इसको अच्छे से सिलकर प्रेस कर चुकी हूँ, कितने से सेट हो चुका है ये। तो अभी मैं इसको फ्रॉक में आपको जोड़कर दिखाती हूँ। तो ये मैं अभी फाइनल जो स्टिचिंग है वो करके दिखाऊंगी आपको, इसी स्टिचिंग के साथ ही वो लगता है बेल्ट। तो ये देखिए ये मेरा मैंने यहाँ से मार्किंग करके रखी है। यहाँ तक मैं लॉक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। तो अभी मैं इसको लगाऊंगी। तो ये जो उठा के इसको और फिर ये यहाँ से रख कर ये उल्टा और तब फिर इसके ऊपर मैं ये लगा दूंगी तो दूसरा पल्ला। ये देखिए ये अंदर से मैंने डाल दिया है फीता। तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ और ये पूरी नीचे तक सिलाई करके चली जाती हूँ। तो भी लॉक कर देंगे। तो ये देखिए ये मैं सिलाई एक साइड हो चुकी है। तो मैं इसी तरह दूसरी साइड सिलाई कर लेती हूँ और बाकी जो कपड़ा ये मार्जिन बचा है मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये देखिए ये मेरी फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसकी चारों तरफ से स्टिचिंग हो चुकी है। तो अभी मैं इसमें ये मेरा हुक है तो ये मैं हुक को सुई धागे की मदद से इसमें अटैच कर लेती हूँ। तो अभी मेरा फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसमें अप डाउन ये जो इसका फ्रिल में आया है और मैंने ये जो फ्लावर है ये मैं खुद बनाई हूँ। मैं इसका लिंक आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो अभी ये रेडी है, मेरी बेटी पहनेगी। ये जुम्मा होता है जिस लास्ट जुम्मा रमजान का अलविदा होता है, मैं उसमें पहनाऊंगी फिर आपको दिखलाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।